लगभग एक साल हो गया है जब LG ने भारतीय बाजार में अपना डुअल स्क्रीन वाला स्मार्टफोन G8X Think लॉन्च किया था। लॉन्च के समय शायद लोगों को ये फोन इतना पसंद नहीं आया था क्योंकि इसमें आपको एक पुराना प्रोसेसर मिलता था, लेकिन आज लोग इस फोन को डेफिनेटली खरीदेंगे और इस फोन को लेने के लिए एक लंबी लाइन लगने वाली है। जी हाँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फ्लिपकार्ट की सेल में ये फोन लगभग 20,000 रुपये का मिलने वाला है। जी हाँ, मात्र 20,000 रुपये का मिलने वाला है। एक फ्लैगशिप लेवल फोन आपको लगभग 20,000 के प्राइसिंग में फ्लिपकार्ट की सेल मिलेगा, तो आप उसे क्यों नहीं खरीदना चाहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं केशव खेरा और आज वीडियो में मैं आपको LG G8X डुअल स्क्रीन वाले फ़ोन के बारे में बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको इसके सभी फीचर बताऊंगा जिससे आप इस फ़ोन को खरीदने के लिए डेफिनेटली रेडी हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए। पर ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइएगा, साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कर उसे ऑल पे कर दें ताकि आप कोई भी हमारा वीडियो मिस ना करें और टाइमली आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हमेशा की तरह अगर आपको मेरे से चैट करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी आईडीज मिल जाएंगी। अब क्योंकि इस फोन का सबसे बड़ा हाईलाइट इसका डिस्प्ले है, इसलिए सबसे पहले हम इसके डिस्प्ले से ही बात कर लेते हैं। तो आप आज देख सकते हैं कि 20,000 रुपये के प्राइस रेंज में भले ही अच्छे डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन मिल जाएं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या मिल जाएगा? आपको पंच होल डिस्प्ले मिल जाएगा, आपको 90Hz स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा। पर LG G8X में आपको एक नहीं बल्कि दो डिस्प्ले मिल रहे हैं, काफ़ी हद तक बेजलेस हैं और देखने में भी शानदार हैं। जी हाँ, इस फोन में दिया गया है 6.4 इंच का OLED पैनल वाला डिस्प्ले जिसमें HDR10 का भी सपोर्ट आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे LG G8X अपने डुअल डिस्प्ले की वजह से 20,000 रुपये में एक कमाल का सौदा बन जाता है। यही नहीं, अगर हम इसके डिज़ाइन पर गौर करेंगे तो 20,000 रुपये के प्राइस रेंज के हिसाब से अगर आप इसे मापेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लुक वाइज ये फ़ोन किसी भी फ़ोन से काफ़ी आगे निकलता है। ऐसी शानदार लुक आपको लगभग 20,000 रुपये में मिलने वाले किसी और फ़ोन में नहीं मिलने वाली। पर लुक ही नहीं, इसकी एक ऐसी खासियत है जो आपको 20,000 रुपये में डेफिनेटली नहीं मिलने वाली, और वो है IP68 की सर्टिफिकेशन। जी हाँ, 20,000 के प्राइस रेंज में आपको IP68 वाटरप्रूफ वाला फ़ोन तो नहीं मिलने वाला। LG G8X अगर आप लेते हैं तो आपको एक शानदार डुअल डिस्प्ले तो मिलेगा ही, साथ साथ IP68 की सर्टिफिकेशन मिलेगी। इसके अलावा आप बता दूं कि इसके फ्रंट पे आपको गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन मिलती है और बैक पैनल पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है और इसका फ्रेम एल्यूमिनियम का है। तो ओवरऑल लुक्स और डिस्प्ले एक कंप्लीट पैकेज के साथ आपको मिल जाता है। हालांकि यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप इसके डुअल डिस्प्ले के साथ इसको यूज़ करेंगे तो बैटरी कंजम्पशन थोड़ा सा ज़रूर बढ़ेगा क्योंकि जो सेकेंडरी डिस्प्ले है वो फ़ोन की बैटरी को ही यूज़ करता है, उसकी खुद की कोई सेपरेट बैटरी नहीं आती। पर डुअल डिस्प्ले के आपको बहुत से फ़ायदे मिलने वाले हैं। जब आप अपना कोई वीडियो देख रहे होंगे उसके साथ साथ आप अपने मेल्स भी चेक कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो एक स्क्रीन पर गेमिंग कंट्रोल बना सकते हैं और एक स्क्रीन पर आपकी गेम चल रही होगी, तो बहुत से फ़ायदे इसमें आपको मिलने वाले हैं। डिज़ाइन और डिस्प्ले का कैमरा की करें तो LG G8X Think में आपको मिलता है 12+13 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा। अब आप कहेंगे कि कैमरा में तो पीछे रह गया। जी हाँ, कैमरा में थोड़ा सा पीछे जरूर है क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि 20,000 रुपये के प्राइस रेंज में 48 और 64 मेगापिक्सल कैमरा फोन्स मिल जाते हैं जिनमें ट्रिपल होता है या चार कैमराज भी होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो 12 और 13 मेगापिक्सल कैमरा को बैक करता है Qualcomm Snapdragon 855 चिपसेट। इमेज प्रोसेसिंग बहुत ही शानदार है, आपको कैमरा क्वालिटी से बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी। अगर कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा पीछे हो सकता है, लेकिन अदरवाइज अगर आप उसको इंडिविजुअल फ़ोन देखेंगे तो इससे बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, आपको शानदार क्वालिटी मिलेगी चाहे वो डे लाइट हो या लो लाइट सिनेरियो हो। इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर मिल जाता है, तो सेल्फी लवर्स के लिए तो डेफिनेटली ये बहुत ही शानदार फ़ोन है। ये फ़ोन सेल्फी लवर्स को खरीद लेना चाहिए। साथ साथ आपको बता दूं कि सेल्फी लवर्स के लिए एक और भी तरीके से अच्छा है क्योंकि इसमें जब वीडियो बनाएंगे तो वीडियो के साथ इसमें आपको बेहतरीन ऑडियो रिकॉर्ड करने का भी ऑप्शन मिलता है और उसका डेमो आप देख लीजिए। आप देख सकते हैं कि फोन वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कितना शानदार साबित होता है।
एक तो इसमें ऑडियो क्वालिटी भी अच्छे से रिकॉर्ड हो रही है, साथ साथ यहाँ पे मैं आपको थोड़ा तेज चल के दिखाता हूँ ताकि आपको दिख जाएगा कि इसका स्टेबलाइजेशन भी काफी अच्छा है। वो लोग जो वीडियो के लिए फोन खरीदना चाह रहे थे उनके लिए ये काफी अच्छा फोन साबित होता है। तो चलिए एक बार थोड़ा सा मैं आपको भाग के भी दिखा देता हूँ। स्टेबलाइजेशन आपको इसकी जरूर पसंद आएगी। वहीं बात करें इसके फ्रंट कैमरा की तो यहाँ भी ऑडियो क्वालिटी आपको जरूर पसंद आने वाली है। हर मामले में ऑडियो इसका अच्छा रिकॉर्ड होगा और डेफिनेटली हम भी कह सकते हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग की पर्पस से ये फोन काफी अच्छा साबित होता है। आई होप कि आपने कैमरा सैंपल देख लिया और आपने फ्रंट वीडियो क्वालिटी भी देख ली होगी। हालांकि ये वीडियो थोड़ा मैंने पहले बनाया था पर मैं आपको क्वालिटी दिखाना चाहता था इसलिए इस पुराने वीडियो का मैंने इस्तेमाल किया। भले ही कैमरा वाइज आपको ये बहुत अच्छा ना लग रहा हो लेकिन प्रोसेसिंग वाइज ये फोन एक तरफा जीतता है। आज आप देख सकते हैं कि 20,000 रुपये के प्राइस में क्या मिल जाता है आपको। G90T चिपसेट मिल जाएगा, G95, 720G, 730G या फिर अगर आप 25-30,000 का फ़ोन लेंगे तो 765G भी मिल जाएगा आपको। लेकिन LG G8X Think में मिलता है Qualcomm Snapdragon 855 चिपसेट। जी हाँ, एक फ्लैगशिप लेवल प्रोसेसर आज आपको सिर्फ 20,000 रुपये में मिल रहा है। आप हाईएस्ट ग्राफिक वाली गेम भी इसमें आसानी से खेल पाएंगे, कोई भी लैग देखने को आपको नहीं मिलेगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। गेमिंग के लिए फ़ोन इसलिए भी अच्छा है क्योंकि एक तो प्रोसेसिंग आपको शानदार मिलेगी और मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि डुअल डिस्प्ले का एडवांटेज यहाँ पे आपको मिलने वाला है। आप एक स्क्रीन पे कंट्रोल्स बना सकते हैं और दूसरी स्क्रीन पे गेम भी चल सकती है। मैं आपको बता दूं कि मैंने इस फोन में दो गेम एक साथ चला के देखी थी तब भी ये फ़ोन लैग नहीं हुआ था। हालांकि दो गेम एक साथ खेलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा डुअल स्क्रीन पे क्योंकि कैसे खेलेंगे, पर लैग नहीं होगा। ये फ़ोन डे टू लाइफ में स्मूथ तो चलेगा ही पर हैवी से हैवी टास्क करने में भी एकदम शानदार रहेगा, मल्टीटास्किंग में आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। इन टर्म्स ऑफ बैटरी LG G8X Think में आपको मिलती है 4000 mAh की बैटरी विथ 21W चार्जिंग स्पीड। आप कहेंगे कि बैटरी कमज़ोर है और चार्जिंग स्पीड भी थोड़ी कम है, पर आपको बता दूं कि 4000 mAh बैटरी ज़रूर है लेकिन मेरे HD वीडियो लूप टेस्ट में ये बैटरी 24 घंटे तक सर्वाइव कर पाई थी। मैंने 5000 mAh बैटरी और 6000 mAh बैटरी वाले फ़ोन से भी HD वीडियो लूप टेस्ट किया है। 24 घंटे बैटरी बैकअप हर फ़ोन नहीं दे पाता, 5000 वाला तो कुछ कुछ फ़ोन ही दे पाए थे, सभी फ़ोन नहीं दे पाते और ये 4000 mAh बैटरी होके भी 24 घंटे का HD वीडियो लूप टेस्ट में सक्सेसफुल हो पाया। तो आप सोच सकते हैं कि सॉफ्टवेयर कितना अच्छे से कंपनी ने ऑप्टिमाइज़ किया होगा। आपको बता दूं कि 21W की चार्जिंग स्पीड है। आप देख सकते हैं कि 20,000 रुपये में आज रियलमी ने 65W की चार्जिंग स्पीड भी मुहैया करवाई है, पर कुछ फ़ोन ऐसे भी तो हैं जिनमें 18W की मिलती है, 15W की मिलती है, 25W की मिलती है। तो चार्जिंग स्पीड से आप निराश नहीं होंगे, हालांकि बहुत फास्ट नहीं होगा ये चार्जिंग लेकिन आप इससे निराश नहीं होंगे। इनफैक्ट यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि चार्जिंग स्पीड 21W की है पर यहाँ पे एक ऐसी चीज़ आपको मिल रही है जो कि आपको 20,000 रुपये में आने वाले किसी स्मार्टफोन में नहीं मिलेगी और वो है वायरलेस चार्जिंग। 9W की वायरलेस चार्जिंग भी इस फोन में आपको मिल जाती है। अगर आपका वायरलेस चार्जर है तो बस फोन को रखना है और आप भूल जाइए। एक्स्ट्रास की बात की जाए तो इस फोन में आपको मिलता है एक्सपेंडेबल मेमोरी का ऑप्शन। अगर बाय चांस आप 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज से संतुष्ट नहीं है तो आप 128GB मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। इसमें 3.5 ऑडियो जैक भी दिया गया है। तो किसी भी लिहाज से 20,000 रुपये में ये फ़ोन आपको निराश नहीं करेगा। अगर 20,000 रुपये आप इस फोन में लगा रहे हैं तो आप डेफिनेटली इस फोन से ज़रूर खुश होने वाले हैं। तो ये था मेरी ओर से LG G8X Think डुअल स्क्रीन का ओपिनियन। जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था तो मैंने इसे काफ़ी यूज़ किया था पर क्योंकि इसका प्रोसेसर पुराना था इसलिए ज़्यादा प्राइस होने की वजह से मैंने आप लोगों को ये फ़ोन सजेस्ट नहीं किया था, पर जब ये फ़ोन आज 20,000 रुपये के प्राइस में मिल जाता है तो मैं डेफिनेटली इस फ़ोन को सजेस्ट करता हूँ। मैं आप सबसे कहूँगा कि फ्लिपकार्ट में जो सेल हो रही है उस समय ये फ़ोन को ज़रूर खरीदें क्योंकि ये फ़ोन 20,000 रुपये के प्राइस में दी बेस्ट है। पर एनीवे, आपकी क्या राय है इस फोन को लेकर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और हमेशा की तरह ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ़।